ओ चाचा हला ला बडा बडा हुन्छ रतन सर पत्रकार फलक पावड़े बिचारे हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो सभी मीडिया कर्मी हो माइक बिड़ाओ माइक 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 सबसे पहले पहले हमारे साथ कांतिलाल जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार आपका जीवन परिचय और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं उल्लेखित कीजिएगा उल्लेखित कीजिएगा आपका जीवन परिचय और वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं कांतिलाल जी। बस मैं मेरा नाम कांतिलाल है पुत्र बेसिकली जालोर विधानसभा से उम्मीदाबाद से हूँ और वर्तमान में जो रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी है उससे मैं दावेदार जालोर विधानसभा प्रत्याशी के बतौर दावेदारी कर रहा हूँ और पत्रकारिता में भी जी। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं अदाकार भी हैं लेकिन एक एमएलए जैसे छोटे पद के लिए आपने आने का कैसे सोचा क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एक अदाकार होना एक कलाकार होना अपने आप में बड़ी बात है आप कैसे क्या हुआ आपको कैसी भावनाएं भड़की और किस आधार पर आप विधायक बनने की सोच रखे ऐसा कुछ नहीं है आदरणीय पत्रकार महोदय आज जिस माहौल जो माहौल जिस प्रकार से अधिकारी है या जिस प्रकार से तानाशाही शासन चल रहा है और जो जिस प्रकार से गरीब लोगों का काम नहीं हो रहा है जी जी बेशक पीड़ित लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जैसे कि मैंने पत्रकारिता के दौरान देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और क्यों ना कम से कम एक एक मीडियम जो होता है राजनीतिक का उसके मद्देनजर हम जो लोगों को न्याय दिला सकते हैं गरीबों का उत्थान कर सकते हैं कम से कम हमारी कोशिश जी 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 एक अंतिम दौर में आप आए केवल 3 मिनट बाकी थे नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए तो क्या किसी का दबाव किसी बड़े राजनीतिक दल का अंतर्राष्ट्रीय दबाव कोई बड़ा दबाव जिसकी मतलब देखिए रूस यूक्रेन तक का दबाव आ सकता है तो कोई दबाव आपके ऊपर इतना लेट आने के पीछे का मुख्य कारण हमें नहीं दबाव कोई नहीं था बेशक कोई दबाव नहीं था इसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है बस कुछ एक लेट हो गया कुछ नामांकन दाखिल करने में तो फॉर्म भरने में लेट हो गया बाकी कोई दबाव नहीं था किसी प्रकार का दबाव नहीं जन देखो फिलहाल जन मोर्चा पार्टी में अभी मैं कैंडिडेट हुए जे जालोर विधानसभा प्रत्याशी अभी मैं लेटेस्ट कैंडिडेट हूँ अभी कोई पद नहीं मेरे पास जब कैंडिडेट होता है तो पद स्थिति बनाना पड़ता है तो मैं अभी पद पे नहीं हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे विजय कुमार झा साहब है जो दिल्ली से है और अभी मैं एक जो पार्टी प्रत्याशी के बतौर राजनीति बनने से पहले हम सबकी एक अपेक्षा थी सभी की एक उम्मीद थी कि हम सारे पत्रकार साथी देश आज कह नहीं पाएंगे एक जो थी ये नामांकन राशि की व्यवस्था कहाँ से हुई सभी का पत्रकार सब गरीब होते हमारी भी हम सब गरीब नामांकन राशि पत्रकार इतना भी गरीब नहीं होता कि 5,000 रुपया 10,000 रुपया नहीं दे सकता ये बिल्कुल गलत सब बोल रहे हो आप 5,000-10,000 तो हर कोई व्यवस्था कर सकता है इतना तो हम काबिलियत हमारे में काबिलियत है ही है इसमें कोई दरे वाली बात नहीं अब आपको चुनाव चुनाव जीत रहे हो क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है जनता जनता का फैसला अंतिम अंतिम होगा जनता का फैसला सवाल अंतिम सवाल अंतिम सवाल अंतिम सवाल सब मिल गए मेरे प्रस्ताव जी अंतिम सवाल एक अंतिम सवाल सर हमारा बहुत ही अंतिम सवाल आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं आपने रूस यूक्रेन हमास जैसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने उठाया तो हम पत्रकार बिरादरी पिछले 10 साल से यहाँ पट्टों के लिए तरस रहे एक अगर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के मामले सुलझा सकते हैं तो क्या आपने हमारा एक पट्टों वाला मामला अगर सुलझाया होता तो हमें आपसे उम्मीद है अगर आप विधायक बनते हैं बिल्कुल जाहिर सी बात है अगर जनता का फैसला हो गया और जनता ने मतलब मेरे पे विश्वास कर लिया भरोसा कर लिया बस जनता का फैसला सर्वमान्य होगा आप वर्तमान में कहां से लीड ले रहे हो नहीं बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ है बस जनता का आशीर्वाद है जनता का प्यार जनता की मोहब्बत मैंने सेवा की हमारा नेता कैसे